हाय फ्रेंड्स, सो आज हम लोग एफए करेंगे सीए। ऑफ कोर्स हमारा लेसन खत्म हो गया, सीए में हम लोग लेबर कॉस्ट करे थे, राइट। सो हमारा लेबर कॉस्ट का लेसन खत्म हो चुका है। एफए में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया था, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। सो अब हम लोग यूनिट फोर्थ का लेसन नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस, इसके बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज हायर परचेस? Small items like stationery etc. are sold only against full payment of price in cash. Means हम लोग कुछ भी लेने जाते हैं stationery दुकान से, books and all, वो हम लोग total amount दे के book ले लेते हैं, right? But जो costly items जैसे हमारा bike हो गया, car हो गया, ये सब पे हम लोग EMI, आप लोगों ने सुना होगा, okay? So इस पर हम लोग हायर परचेज may be sold on हायर परचेज basis. In case of higher purchase, the buyer pays for an article in periodic installments. अलग-अलग monthly installments होते हैं, but becomes the owner of the article only after the full installment is paid. अब वो owner तब ही होता है जब उसने पूरा amount pay कर दिया था, पूरा installment pay कर दिया था. Till the final installment is paid, the seller remains the owner of the article. However, the buyer gets the possession of the article immediately and can start using it. Also, the buyer has to pay interest in addition to the purchase price on the outstanding amount. मतलब अभी वो तो owner अभी नहीं बना है वो, but वो use कर सकता है वो जो, because वो interest भर रहा है, installments दे रहा है. अगर वो कभी भी, if the buyer fails to pay any installment, the seller can take away the article. Means उसके बाद हम लोग ले सकते हैं, right? अगर मैंने कोई सामान बेचा है किसी को, हाँ, वो मेरे को हर महीने इंस्टॉलमेंट ला के देता है इंटरेस्ट के साथ, सो आई हैव दैट कि मेरा अमाउंट आस्ते आस्ते आ रहा है, बट अगर उसने एक टाइम देना बंद कर दिया तो आई कैन टेक माई आर्टिकल, राइट। सो हायर परचेज का एग्रीमेंट क्या होता है? अ पर्सन हु एक्वायर्स एन आर्टिकल अंडर हायर परचेज इज नोन एज हायर परचेज और हायर। जिसका आर्टिकल होता है, अ पर्सन हु एक्वायर एन आर्टिकल मीन्स जो, जैसे मैं हूँ, मैंने खरीदा है, ओके, सो मैं कौन हूँ? हायर परचेसर और हायर। द ओनर हु गिव्स हिज आर्टिकल, जिसने बेचा है वो कौन है? हायर वेंडर और वेंडर। द हायर एंड द वेंडर enter into a written agreement known as hire purchase agreement which contain the following details. उसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट होता है कैश प्राइस। दिस इज द परचेस प्राइस पेएबल इफ फुल पेमेंट इज मेड इमिडिएटली। मीन्स बोल, आप कहीं भी जाओ, आपको ऐसा बोलते हैं, अगर आप एक ही बार में सारा अमाउंट दे देते हो तो आपको थोड़ा कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, जो टोटल अमाउंट होता है ना वो कैश प्राइस होता है, ओके। फिर इंटरेस्ट, द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर ऑन द अनपेड अमाउंट मीन्स जो अमाउंट पे करना बाकी है, जितना पार्ट ऑफ अमाउंट पे करना बाकी है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, जैसे 12% वगैरह ऐसे इंटरेस्ट लगाते हैं, ओके। देन है हायर परचेज प्राइस। दिस मीन्स द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द हायर, ऑल्सो नोन एज हायर प्राइस made up of the cash price of the article and interest. मतलब क्या? Total amount payable by the means जो hirer, जैसे मैंने खरीदा है, I am the hirer. So total मैंने amount pay कर दिया है, paid up to the cash price of the article and interest, total कर दिया, okay? Higher purchase price उसको बोलते हैं, या फिर higher price. Down payment क्या होता है? This is the initial amount payable at the time of signing the agreement. मतलब जैसे down payment means मैं अभी टोकन बोले ना, टोकन लिया है करके, या कोई अमाउंट मीन्स हमें प्रोसेस करने से पहले उसका एक छोटा पार्ट मीन्स जैसे 1/4 पार्ट ऑफ द अमाउंट मैंने अभी पेमेंट कर दिया है। समझो 1 लाख का मैंने बाइक लिया, उसमें से मैंने 1 लाख में से मैंने 20,000 या 30,000 जो होता है डाउन पेमेंट का अमाउंट वो मैंने अभी भर दिया है, और जो बाकी का अमाउंट है उस पर मेरे को इंटरेस्ट भरना रहेगा, ओके। एज सून एज डाउन पेमेंट इज मेड, द हायर गेट्स द पोजेशन ऑफ द आर्टिकल एंड कैन स्टार्ट यूजिंग इट इमीडिएटली बैलेंस अमाउंट।
ठीक है. देन इंस्टॉलमेंट, द एग्रीमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स इन विच द जो हम लोगों ने लिया है, बाइक लिया है 1 लाख रुपीज़ का, उसको मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स में. मैंने अभी डाउन पेमेंट कर दिया, ओके, मैंने 30,000 डाउन पेमेंट किया, मीन्स अभी और 70,000 में पेंडिंग है, राइट. तो 70,000 के लिए मेरे को कितने गैप में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो इसमें दिया रहते हैं. द बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू द हाई प्राइस, हाई परचेस प्राइस लेस डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट से कम रहता है और हायर परचेस प्राइस के इक्वल रहता है, ओके. द एग्रीमेंट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द अमाउंट एंड ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मीन्स कब कौन सा इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसका डेट भी लिखा हुआ रहता है. ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज मेड अप ऑफ पार्ट पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो अमाउंट मेरे को पे करने का है और उसके लिए इंटरेस्ट प्लस करके हम लोग इंस्टॉलमेंट्स भरे थे. देन उसके बाद हम, ये हमारा क्या था, हायर परचेस का एग्रीमेंट्स था. सो इसके बाद अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग को ज़्यादा नहीं है, बस अब हम लोग देखने का जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे उसका देखते हैं. इन द बुक्स ऑफ बायर, जो बायर है, जो खरीद रहा है हायर, उसका क्या होता है असेट अकाउंट, उसका कैसे बनता है. टू हायर वेंडर कैश प्राइस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मीन्स एक फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए, ओके. देन ये हायर वेंडर का है, हायर वेंडर ये कौन है, सेलर, सेलर, ओके. उसका कैसे रहता है, टू बैंक अकाउंट, जो डाउन पेमेंट किया है, फिर इंस्टॉलमेंट किया है. ये क्या है, ये भी फॉर्मेट ही है, हम लोग ऐसे ही स्टेप वाइज जाने का, और कुछ नहीं. जैसे उसने डाउन पेमेंट कब, जो हम लोग स्टार्टिंग में बनाए तभी डाउन पेमेंट हो गया, बाकी का जो ईयर है उस पर सिर्फ इंटरेस्ट आएगा. देखो कैसे दिया हुआ है, 1 जनवरी 2011 को डाउन पेमेंट किया, उसके बाद 31 12 2011 को टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट कर दिया. सो बाद में वही सब ट्रांसफ़र हो गए और उसके बाद जो क्या है हमारे पास, सिर्फ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हम लोग भर गए, ओके. फिर और क्या, अकाउंटिंग अंडर फुल कैश प्राइस मेथड, फुल कैश प्राइस मेथड क्या होता है, ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ गुड्स, ये देखो ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ गुड्स, मेकिंग डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन, क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लोज इंटरेस्ट अकाउंट, मीन्स जो उसका हायर परचेज की बुक में कैसी एंट्रीज होनी चाहिए वो इधर बताया. ये डाउन पेमेंट की एंट्री है, फर्स्ट और फुल कैश प्राइस की एंट्री है, एंट्रीज कैसी होनी चाहिए. सो ये हम लोग को आइडिया दे देता है कि हम लोग कैसे क्या बनाने का है, क्या रिप्रेजेंट करने का है, मीन्स हम लोग जो बुक में अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग को मालूम पड़ जाएगा. ये सारे आपके अगर थोड़ा बहुत डाउट आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मेट है और हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया आएगा सेम फॉर्मेट से हम लोग को उसको सॉल्व करने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.